तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बताने वाले माइनक्राफ्ट में बॉन्साई मोड का ट्री वर्जन, ओ ट्री वर्जन। तो आज तक ये किसी ने वीडियो नहीं बनाया, तो हम ये मोड बना चुके हैं जो है बॉन्साई मोड, वो भी ओ ट्री के साथ, जो जावा में जैसा भी है वैसा पूरा एकदम MCPE में है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो बॉन्साई ट्री बनाने के लिए पहले हमको बॉन्साई पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी रेसिपी हम बताते हैं। वैसे तो पहले वीडियो आपने नहीं देखी तो उसमें सिंपल बॉन्साई मोड का बताया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो। तो इसके लिए हमको देख सकते हो ये क्ले ब्लॉक चाहिए। क्ले ब्लॉक को रख के, हॉपर रख के, इसके ऊपर एक डट रखनी है जिससे हमको ये पॉट मिल जाएगा, बॉन्साई पॉट। तो इसकी आवश्यकता है हमको। हाँ, और एक बात, ये जो मोड देख रहे हो ये ऐसा ही लगाना है, ये और ये दोनों मोड है, बॉन्साई और ये दोनों लगाने हैं तभी ये वर्क करेगा। तो इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई ये जो ओ ट्री देख रहे हो ये मैंने अलग से मोड लगाया, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बॉन्साई ओ ट्री मोड डाउनलोड करने की लिंक इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इसमें सिंपल ट्री भी काम करते हैं और वाले भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, और उसमें बस सिंपल ही करते थे। अगर उसकी लिंक, मतलब वो वीडियो नहीं देखा तो वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो मैं ओ ट्री की रेसिपी दिखा देता हूँ। क्या 2 मिनट शायद अनलॉक नहीं हुई है इसलिए नहीं दिखा रही है, दूसरा एकदम वर्किंग मोड है। तो ठीक है, इसको तो छोड़ते हैं, अब हम ऐसे ही देख लेते हैं, एक बार दिख जाए तो ठीक है। ये देखो, इसमें ये पुराने ट्री भी है, तो आप सिंपल भी लगा सकते हो और ओ ट्री भी लगा सकते हो। तो अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि बॉन्साई पॉट में कैसे इसको यूज करना है। तो बॉन्साई पॉट डायरेक्ट नहीं रखना है, इसके कुछ कलेक्ट करने के लिए कुछ ब्लॉक चाहिए होगा, जैसे होपर चेस्ट, ट्रैप चेस्ट, एंडर चेस्ट मत लगाना, दूसरा सर्कल वगैरह, बैरल वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। और इसके ऊपर ऐसे बॉन्साई पॉट लगा के जो भी सैपलिंग चाहिए आपको, भले नॉर्मल लगाओ या भले और वाली लगाओ, आपको नीचे कुछ चाहिए कलेक्टिंग वाला। और ये सिंपल बॉन्साई पॉट में ही सब वर्क करेगा, ऐसे नहीं कि और के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो जितनी सैपलिंग है वो सब लगा के दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। तो 5 है तो 5 ऐसे चेस्ट, और इसके ऊपर बॉन्साई पॉट लगा देते हैं जिससे अपना कलेक्ट होता रहे नीचे चेस्ट में आइटम जो भी आएगी। और ये पेड़ पूरा बड़ा होगा, उसके बाद अपना कलेक्ट होता रहेगा आइटम अपने आप, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अब इस सैपलिंग को लगा देते हैं, पहले आयरन की लगा देते हैं, कोल की लगा देते हैं, और डायमंड, और इसमें सारी सैपलिंग है और वाली, देखो एमरल्ड की भी है और गोल्ड की भी है। तो ये सब लग चुकी है, अब देखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं कि क्या कलेक्ट होता है या नहीं, वर्किंग है या नहीं। तो वैसे बनाया था तो वर्किंग ही होगा, और मैंने खुद नहीं बनाया, कोई दूसरों से बनवाया नहीं है, या फिर वैसे थोड़ा बहुत बनाना आता है मोड तो ये बना दिया है। थोड़ा स्पीड तेज करके दिखाता हूँ कितने समय में अपनी आइटम कलेक्ट होती है। हाँ, तो अपना काम तो हो चुका है, देखो एक बार ये कट चुका है अपने आप, तो एक बारी में ही देखो कितना कितना सामान मिल रहा है हमको। ये सारी वुड मिल रही है, इनको हम पिघलाएंगे, उसी स्मेल्टिंग करेंगे इसकी किसी भी फर्नेंस या किसी भी में, तो अपने आप और मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो सारा काम हो चुका है और एक में इतना सारा मिल चुका है। तो वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट कौन सा मोड चाहिए वो भी बता देना कमेंट में। बाय बाय।